एवरीवन, वेलकम टू श्रीधरी किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ शिमला मिर्च और प्याज की चटपटी सब्जी, जो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में है। आप यदि इसे एक बार खाएंगे तो उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। आप प्लीज़ एक बार इसे ट्राई जरूर करें। यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बनाते हैं शिमला मिर्च और प्याज की सब्जी रेस्टोरेंट स्टाइल में। उसके लिए हमने यहाँ लिया है पैन, फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ 4 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल मेरा गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ। ये है 2 प्याज है जो मध्यम साइज के थे, मीडियम साइज के प्याज लिया मैंने यहाँ पे। अब मैं इसे थोड़ा सा भून लूंगी। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये 3 शिमला मिर्च है जिसको मैंने क्यूब आकार में काट लिए हैं। मेरा ओनियन भी जो है वो क्यूब आकार में कटा हुआ है। अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए कुक करूँगी, 5 मिनट के लिए मैं इसे कुक करूँगी। 5 से 7 मिनट हो गए हैं मुझे कुक करते हुए। ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो गया है इस स्टेज पे। अब मैं इसे निकाल दूंगी। ये मैंने जो निकाला है वही ऑयल है, मैंने इसमें एक्स्ट्रा ऑयल नहीं लिया है। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ 1/2 टेबल स्पून जीरा, 8 लहसुन की कलियाँ, 10-12 काली मिर्च है, ये 1 इंच जिंजर है, कुछ दालचीनी के टुकड़े हैं, 2 इलायची, 2 लौंग, 2 हरी मिर्च और 8 काजू हैं। इन सब चीज़ों को मैं एक एक करके कढ़ाई में डाल दूंगी। मैं इसे थोड़ा भूनूंगी। अब मैं इसमें ये थोड़ा सा रोस्ट हो जाए, मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ ये 1 बड़ा चम्मच प्याज का है और इसमें मैंने लिए हैं 2 छोटे मीडियम साइज के टमाटर हैं। अब मैं इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करूँगी नमक और इन सारी चीज़ों को मैं ढक के पकाऊंगी थोड़ी देर के लिए। अब मैं थोड़ा सा इसमें नमक ऐड कर रही हूँ और मैं इसे मिक्स कर दूंगी ताकि ये जल्दी से हम सॉफ्ट हो जाए। अब मैं 2 मिनट के लिए इसे ढक के कुक करूंगी। 2 से 3 मिनट हो गए हैं, मैंने इसका लिए ढका लिया है और ये मेरा बिल्कुल बनके तैयार है, भून के तैयार है। मैं इसे अब गैस फ्लेम बंद करूंगी, मैं इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। ये जब ठंडा हो जाएगा तो मैं इसका पेस्ट बना लूंगी। गैस फ्लेम मैंने ऑन कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कढ़ाई में 2 टेबल स्पून ऑयल और मैं इसमें डाल रही हूँ पिसा हुआ पेस्ट, जो पेस्ट को मैंने पीसा ना वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसे 2 से 4 मिनट तक मैं तेल छोड़ने तक मैं इसे भूनूंगी ताकि ये हमारे मसाले अच्छे से भून जाए। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ शिमला मिर्च और प्याज जो मैंने तल के निकाला था। अब इन सारी चीज़ों को मैं ऐड कर लूँगी, इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा पानी, ये वो मसाले वाले पानी है जो बर्बाद ना हो मसाले हमारे, उसको मैंने ऐड कर दिया है। अब मैं इसे 2 मिनट तक ढक के पकाऊंगी। मैंने टोटल इसमें 1 कप पानी डाला है, मुझे इसे ज़्यादा पतला नहीं बनाना है, मुझे इसकी ग्रेवी थोड़ी थिक रखनी है। अब मैं इसे ढक के 2 मिनट के लिए पकाऊंगी।
2 मिनट हो गए हैं, ये मेरी सब्जी बिल्कुल बनके तैयार है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी है, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और ये मैंने लिया है 1 टेबल स्पून गरम मसाला। अब इन सारी चीज़ों को मैं मिक्स कर देती हूँ। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून मलाई, जो हमारी घर की मलाई है वो ऐड किया है मैंने। और ये 1 टेबल स्पून बटर। इन सारी चीज़ों को मैं मिक्स करके अच्छे से चला दूंगी। अब ये हमारा सब्जी प्याज और शिमला मिर्च की बहुत ही स्पाइसी सब्जी मेरी बनके रेस्टोरेंट स्टाइल में तैयार है। अब मैं फ्लेम बंद कर रही हूँ, अब मैं इसे सर्व करूँगी। तो लीजिए, तैयार है शिमला मिर्च और प्याज की रेस्टोरेंट स्टाइल में सब्जी, बिल्कुल बनके रेडी है। आप इसे एक बार ट्राई जरूर करें। यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर के हमें ज़रूर बताएं कि हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।